देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। अगर कोई देश न्यायपालिका को जुडिशियरी को खत्म करने पर विचार करता है और फिर खत्म कर देता है तो उसका भी हाल इजराइल जैसा हो सकता है। दोस्तों, इस बात की बड़ी चर्चा हो रही है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मोदी जी से फोन पर बातचीत की, वहां की परिस्थिति कैसी है इसके बारे में जानकारी दी। अच्छी बात है, लेकिन आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो विवाद है उसे लेकर के हमास ने जिस तरह से इजराइल पर हमला किया वो हाल भारत का भी हो सकता है। क्योंकि जब किसी देश का लोकतंत्र अलोकतांत्रिक हो जाए, जब किसी देश में सुप्रीम कोर्ट, जजेस या बेसिकली जुडिशियरी को खत्म कर दिया जाए, तब उस देश पर बाहर से हमला होता है। बाहरी ताकतें अंदर चल रहे विवादों का फायदा उठाती है और इजराइल के साथ वही हुआ। मतलब इजराइल फिलिस्तीन के बीच विवाद तो कई सालों से चल रहे हैं, लेकिन इजराइल के भीतर इस तरह से अशांति पैदा इससे पहले कभी नहीं हुई, जिसने इजराइल को तबाह कर दिया। इसकी वजह क्या है दोस्तों, आपको पता है, तानाशाह की सरकार। आतंकवाद का समर्थन किसी को भी नहीं करना चाहिए, सवाल ही नहीं उठता। इजराइल पर जिस तरह से आतंकी हमले हुए उसकी हम घोर निंदा करते हैं, हजार से ज्यादा मासूमों की मौतें हुई। लेकिन आज इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एक गलती ने इजराइल को तबाह कर दिया और वही गलती हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी करने की कोशिश पिछले एक साल से करते आ रहे हैं। वो है जुडिशियरी को, सुप्रीम कोर्ट को, लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ को पूरी तरह से खत्म कर देना। इजराइल ने भी महज कुछ महीने पहले ऐसा ही किया। पिछले एक साल से इजराइल की सरकार और इधर मोदी सरकार जुडिशियल प्रोसेस पर कब्जा पाने की कोशिश कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट के पास जो अधिकार है उसे कम करने की कोशिश कर रही थी। मोदी सरकार कोलिजियम को खत्म करके NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन को लाना चाहती थी, जिसमें जजेस के अपॉइंटमेंट एक तरह से सरकार के हाथ में रहेगा और सरकार कोई कानून अगर बनाती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट बदल नहीं पाएगा। मतलब एक तरह से लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ को हाईजैक करने की कोशिश। यही काम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी किया था कुछ महीने पहले। लेकिन भारत का विपक्ष मजबूत है, भारत की जुडिशियरी मजबूत है, ऊपर से डीवाई चंद्रचूड़ CJI जैसे बन गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे बन गए, तो कोलिजियम से मोदी जी को फिलहाल के लिए हाथ धोना पड़ा। लेकिन सरकार जुडिशियरी पर कब्जा पाने की कोशिश अब भी कर रही है। लेकिन उधर अगर इसराइल की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू ने बकायदा जो है कि जुडिशियरी को, सुप्रीम कोर्ट को एकदम से खत्म कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने जुडिशियल रिफॉर्म बिल लेकर के वो आ गए और उसे पास भी करा दिया। तानाशाह सरकार की ओर से स्टेटमेंट आता है कि न्यायपालिका ने सालों से खुद को बढ़े हुए अधिकार दिए हैं, सरकार से भी पहले न्यायपालिका है, न्यायाधीश है, इसे हमें खत्म करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के पास जो हदपार अधिकार है उस पर अंकुश लगाना होगा। ये बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार, उनका ये बयान आता है और फिर सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका से अधिकारें छीन ली जाती है। ये मार्च से लेकर जून 2023 की बात मैं कर रही हूँ। ये तस्वीरें दोस्तों आपको याद है, दोस्तों मैंने खुद इस खबर से आपको रूबरू कराया था कि सड़कें जो है ना भरी भर गई थी, भरी हुई थी। दोस्तों पूरा इजराइल जुडिशियरी को इस तरह से खत्म करने के चलते, न्यायपालिका को एक तरह से हाईजैक करने के चलते सड़कों पर उतर चुका था, भयंकर विरोध हुआ था। लेकिन विरोध से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। अक्सर हमारे देश में भी ऐसा होता है, पूरा देश एक अस्थिर स्थिति में चली गई थी। अगर घर के भीतर दोस्तों जो कि अंतर्कलह है ना वो हो, इसका फायदा दुश्मन मुल्क उठाएगा और ये हमेशा से होता आ रहा है, ये कोई नई बात नहीं। 3 महीने के भीतर गाजा पट्टी से हमास, जिसे अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया, उस हमास ने गाजा पट्टी से इसराइल जैसे देश पर हमला बोल दिया। इजराइल जैसा देश जिसके पास मोसाद जैसी जांच एजेंसी है, किसी को कुछ पता नहीं चला, पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेल साबित हो गई। क्या करे, जब सरकार तानाशाह हो जाए तो इंटेलिजेंस भी काम नहीं कर पाती है। कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी हो, कोई भी सरकारी एजेंसियां हो, वो सही से काम नहीं कर पाती है। हजार से अधिक लोगों की एक पल में मौत हो जाती है। दोस्तों ये जो मैप आपको दिख रहा है ना, ये फिलिस्तीन और इजराइल का
सच बयां करता है। 1917 उसके बाद 1946 में पूरा देश जो है 1917 से 46 तक पूरा देश फिलिस्तीन था, जिसके बाद इजराइल और फिर इजराइल फिलिस्तीन का जमीन जो है छीन लेता है और छीनता गया, आगे बढ़ता गया और आप देख सकते हैं कि फिलिस्तीन बस नाम मात्र मैप में रह गया है। इस बीच भारत में मोदी जी का इजराइल को समर्थन करना उचित है या नहीं है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर आप आतंकवाद के खिलाफ हैं तो फिलिस्तीन का सपोर्ट आप कैसे कर रहे हैं। तो वहीं इस बीच दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 1977 में जनता पार्टी की विजय रैली की ये भाषण है, जिसमें वाजपेयी फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे। वो कहते हैं कि अरबों की जिस जमीन पर इसराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करनी होगी, लेकिन इसराइल ने जमीन खाली नहीं की और आज फिलिस्तीन एक कोने में बस सिमट के रह गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमास ने जो किया, जो खुद कहता है फिलिस्तीन का रक्षक हूं मैं, जिसे फिलिस्तीन अपनी आर्मी के तौर पर देखता है, उस हमास ने जिस तरह से 5000 से अधिक रॉकेट दाग कर इसराइल को तबाह कर दिया, इतना बड़ा आतंकी हमला इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, इसका पूरी तरह से देश नीति इसका घोर विरोध करता है। लेकिन इस वीडियो में मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रही थी, आपको समझाने की कोशिश कर रही थी और सरकार से अपील करने की कोशिश कर रही हूं कि अगर देश में मणिपुर जल रहा है, अगर आपका एक अंग जल रहा है, अगर देश में मुसलमानों के खिलाफ जंग छिड़ी जा रही है आए दिन, अगर भारत जो कि सभी धर्मों का गुलदस्ता है वहां बस एक फूल खिलाने की कोशिश में आप लगे हुए हैं, अगर गृह युद्ध को दरकिनार कर मोदी शाह चुनावी रैली में व्यस्त है, अगर मोदी सरकार न्यायपालिका को खत्म करने पर उतारू हो जाए तो हमें भी ऐसा बुरा दिन देखना पड़ सकता है जिसका जो इतना भयावह होगा जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता दोस्तों। इसलिए सरकार को न्यायपालिका को स्वतंत्र रहने देने की जरूरत है। देश में जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, जिस तरह से हिंदू मुसलमान में लड़ाई लड़ाने की कोशिश तमाम तरह के नेता मंत्री करते हैं, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। मणिपुर जिस तरह से जल रहा है उसे बुझाने की जरूरत है, वरना आज सब देख रहे हैं कि तानाशाह सरकार अगर सत्ता में हो तो देश किस तरह से जो है कि तबाह हो सकता है। तो इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या होगी, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ, वेल रिसर्च के साथ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।